हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द थिंकर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। जी हाँ दोस्तों, आज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने आपके लिए रेलवे जेई के लिए ऑफिशियल नोटिस आउट कर दिया है। तो जानते हैं आपके कब से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं और किस डेट में आपको अपना फॉर्म कंप्लीट करना है और आपके क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ठीक है, तो सभी कुछ बातें ऑफिशियल नोटिस में हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहां पर देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आपका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आज ही जारी किया गया है 26 दिसंबर 2018 को। मैं इसको पूरा आपको पढ़कर अच्छे से समझाता हूं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग यहां पर देख लीजिए किस चीज़ के लिए वैकेंसी है। रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर जेई, जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिपोर्ट मटेरियल सुपरिंटेंडेंट DMS एंड केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट CMA के लिए आपकी ये वैकेंसी आई है। किसकी कितनी पोस्ट है वो भी मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो जूनियर इंजीनियर है उसकी आपकी है टोटल वैकेंसी 13,034। ठीक है, 13,034 आपकी जूनियर इंजीनियर की है। जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आपकी 49 वैकेंसीज हैं और डिपोर्ट मटेरियल सुपरिंटेंडेंट की आपकी 456 और केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट की आपकी 494 वैकेंसी है। टोटल इसका है 14,033 आपकी टोटल वैकेंसी आई है। ठीक है, काफ़ी अच्छा मौका है, जो बच्चे डिप्लोमा किए हैं उनके लिए ये गोल्डन चांस है, ज़रूर फिलअप कीजिएगा और मैं आपको सब कुछ बताता जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, 1 जनवरी 2019 को, 1 जनवरी 2019 के बीच जो बच्चे यहाँ पर इसका फॉर्म भरेंगे उनकी मैक्सिमम एज आपकी मिनिमम टू मैक्सिमम एज 18 से 33 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, SC और ST कैंडिडेट्स को आपका 5 ईयर्स का एज रिलीफ मिलेगा, OBC के लिए आपका 3 ईयर्स का रहेगा। ठीक है, तो ये भी बातें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो जूनियर इंजीनियर के लिए आपका डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट डिसिप्लिन अगेंस्ट वेरू, मतलब यहाँ पर सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो भी जूनियर इंजीनियर के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उसके पास आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, या फिर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, डिपोर्ट मटेरियल की आपका डिप्लोमा और डिग्री चल जाएगी। ठीक है, उस डिपोर्ट मटेरियल में भी यही मांगा गया और जूनियर इंजीनियर में आपकी PGT CA BSc मांगी गई है। ठीक है, और BTech भी मांगा गया है इसमें कहीं पर। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मेन डेट जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मेन डेट दोस्तों जो आपकी इंपॉर्टेंट है, आपका फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है फिल करना दोस्तों, ऑनलाइन जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना है। ओपनिंग डेट है इसकी 2 जनवरी। ठीक है, 2 जनवरी से आपके 10 बजे से, सुबह 10 बजे से चालू हो जाएंगे और लास्ट डेट दोस्तों जो है आपकी वो है 31 जनवरी 2019। ठीक है, 31 जनवरी 2019 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, ये वाली डेट भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो आपके 2 जनवरी से आपके फॉर्म भरना फिलअप हो जाएंगे। आपको यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर देखिएगा, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट RRB एज मेंशन बिलो फॉर डिटेल एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, तो आप लोगों को इस वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा अपना फॉर्म फिलअप करने के लिए, जो कि आपकी रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर विभिन्न टाइप के जितने बोर्ड्स हैं सबकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको विजिट करके अपना फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, 2 जनवरी से आपकी फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएंगे और आपका कब तक चलेगा, 31 जनवरी तक चलेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आज ही नोटिफिकेशन इसका आया है आपका। ठीक है, तो बिल्कुल भरिए इस फॉर्म, जो बच्चे डिप्लोमा और डिग्री किए हैं तो वो लोग को जरूर भरना चाहिए इस फॉर्म को। ठीक है, आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए यदि कोई भी डाउट हो, वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि वो लोग भी इस चीज़ को सुन सकें और अपना फॉर्म फिलअप कर सकें जल्दी से जल्दी, जिनके पास भी डिप्लोमा या डिग्री है। ठीक है, चैनल को जो सब्सक्राइब कर दिए हो, सब्सक्राइब करने का तो उस बेल आइकन को जो दबा दें, ताकि आपको रोजाना GK और वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट ऐसे ही मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।